नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कनिका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक मेजर समेत सेना के चार जवान शहीद हो गए हैं। इन चार जवानों में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के राजगढ़ गांव के हरि सिंह भी शामिल थे। शहीद हरि सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह उनके गाँव पहुंचा। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गांव भारत माता के जयकारों और पाकिस्तान मुर्दाबाद से गूंज रहा था। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद हरि सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। 26 वर्षीय हरि सिंह राजपूत 2011 में बतौर ग्रेनेडियर भर्ती हुए थे। हाल ही में वे नायक पद पर प्रमोट हुए थे। हरि के पिता अगड़ी राम भी सेना से रिटायर्ड थे। 2 साल पहले ही उनका निधन हुआ था। आपको बता दें कि हरि 3 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। परिवार में मां पिस्ता देवी, पत्नी राधा और 10 महीने का बेटा लक्ष्य है। हरि सिंह 28 दिसंबर को 1 महीने की छुट्टी के बाद कश्मीर गए थे। सुबह 6 बजे प्रशासनिक अधिकारियों ने पंचायत को सूचना दी। खबर से गांव इलाका गमकीन हो गया। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में दबंगई का विरोध करने पर दबंग परिवार ने पड़ोसी पर हमला कर दिया। हमले में गृह स्वामी की पत्नी सहित 2 पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल पीड़ित ने एम्बुलेंस से एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार। किस लिए आए थे आज एसएसपी ऑफिस? एसएसपी ऑफिस अपनी समस्या रखने आए थे कि हमारे साथ कातिलाना हमला हुआ और उसमें अभी कोई कार्रवाई ऐसी संतोषजनक नहीं हुई। मेडिकल थाने में केस 307 का दर्ज है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। ये 25 तारीख का केस है, 25 जनवरी का, और अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। हत्या में आरोपी महिलाएं अभी खुली घूम रही हैं और घर पे जाकर धमकियां दे रही हैं। आदमी बाहर से धमकियां दे रहे हैं लगातार, कह रहे चोट का वार हुआ चीज़ हुआ है। ये थी कुकरी, एक कुकरी होती है और उसकी बहुत तेज धार होती है, उससे वार हुआ। मुझे फिर पता नहीं चला कि क्या हो रहा मेरे साथ। बता रहे थे लोग कि मेरे सर पे ईंट बजा रहा था उसके बाद भी। एसएसपी ऑफिस में क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन 2 बार मिल चुका है और अभी तक तो उनमें से कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। साहब ने एक बार तो बात सुनी थी, लेकिन अब की बार तो ना हमारी मम्मी से मिले और ना ही हमसे, और उन्होंने बस बाहर से बाहर ही भगा दिया। थाने ने कोई कार्रवाई ऐसी संतोषजनक नहीं की है, आश्वासन दे रहे हैं लगातार बस। आज नहीं कल, ये 25 तारीख का केस है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। और मेडिकल जो कॉलेज है उनमें इतनी अच्छी जानकारी है उनकी कि मेडिकल में भी ग्रोच लिख रहे थे वे लोग, जबकि 14 टांके मेरे सर में आए हुए हैं और मम्मी के रीढ़ में चोट है। एक गंभीर चोटों को भी सामान्य चोट बना रहे थे जिससे 307 हट जाए उस पर से। निवासी जो है पीड़ित परिवार ने दबंग का विरोध किया, तो दबंग लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्हें पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय गुहार लगाई है। क्या पूरा मामला होता जा रहा है, इसमें क्या आरोपी से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये मामला अभी संज्ञान में आया है, थाना मेडिकल क्षेत्र का मामला है और इसमें हम लोग जो प्रकरण है, जो वादी हैं वादियाँ हैं उनसे बात करके इसमें जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से। खबर यूपी के रामपुर से, जहाँ शाहबाद में उस वक्त दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब एक युवक ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया। इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। क्या होगा? हाँ, ये आज से दिनांक 17/2/2019 को लगभग 7:30 बजे के लगभग एम्बुलेंस 108 के द्वारा एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया, जिसका नाम नरेश कुमार है और जो भीतर गांव का रहने वाला है जी। 108 एम्बुलेंस से लाया गया और इसको देखने के विचार ये मृत था, इसको दे गए संबंधित थाने को, लेकिन में सूचना दे दी गई। सर, परिजन पहुंच गए मौके पर? सकते नहीं, परिजन नहीं, एक व्यक्ति इसके मोतीराम नाम के हैं जो इसके गांव के थे, वो आए हैं और 108 एम्बुलेंस से लाए गए। सर, कुछ मालूम है दुर्घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी है? हाँ, जो साथ में व्यक्ति आए थे उन्होंने बताया कि ये ट्रैक्टर पर बैठा था, शायद ट्रैक्टर से जो साथ में व्यक्ति आया था वो ये भी बता रहे थे कि कोई मिर्गी का दौरा पड़ता था। नहीं, ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं आई। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर पर बैठे हुए आ रहे थे, ट्रैक्टर से अचानक ये गिर गया। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भिवानी में सेवानिवृत्त तहसीलदार मेजर ने कहा कि देश में इस प्रकार की परिस्थितियों में पक्ष और विपक्ष को राजनीति से दूर हटकर मिलकर आगे आना चाहिए।
तभी देश में आतंकवाद का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं वे लोग देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए। रतिराम जी, कौन कौन सी लड़ाई में आपने भाग लिया है? मैंने तीनों युद्धों में भाग लिया है। 62 की लड़ाई जो चीन के साथ हुई थी उसमें मैंने भाग लिया था, फिर 65 की लड़ाई हुई उसमें भी मैंने भाग लिया था, और 71 की लड़ाई हुई थी उसमें भी मैंने भाग लिया था। तो आज हालात बने हुए देश के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है, तो क्या कारण मानते हो आप इसमें, क्या कमी मानते हैं? इसका मुख्य कारण तो यह है, जो हम इनको जो फैसिलिटी दे रहे हैं अपने मुस्लिम भाइयों को, वह इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वह खाते हमारे हैं और गुणगान गाते हैं पाकिस्तान। ये धारा 370 जब तक रहेगी, जब तक ये आतंकी हमले होते रहेंगे, ये बंद नहीं हो सकते। क्यों? ये आस्तीन के सांप हैं, ये खाते हमारे देश का है और गुणगान और कार्य करते हैं पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार की पार्टियों ने मिल करके इसका निर्णय लेना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। निर्णय नहीं, इसको ख़त्म, समूल नष्ट करना चाहिए इसको। जब तक ये नष्ट नहीं होगी आतंकी हमले ऐसे होते रहेंगे। उन्होंने जो विवादित बयान दिया सिद्धू ने, देखो ये एक दुर्भाग्य की बात है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते जबकि भारत उसको सब कुछ दे रहा है, और फिर ऐसे समय में इस प्रकार के विवादित बयान देना, ये एक भारतीय नागरिक के लिए श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे समय में उनके प्रति इसकी दया के भाव होने चाहिए, अफसोस दुख के भाव एहसास होने चाहिए, बल्कि ऐसे विवाद बयान देने से वो अपनी ही स्वयं की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। ये जो है ये हर समय इसी प्रकार के जो है देश के विरोध में हमेशा अपनी टिप्पणी करता रहता है, जो कि एक नेता और एक नागरिक होने की दो चीज़ें, एक ये नेता भी है पंजाब सरकार में और भारतीय नागरिक भी है। ये हमेशा विवादित बयान देता है, ऐसा क्यों करता है अब इसके विषय में अब हम क्या बता सकते हैं, ये तो यही कह सकता है एक नागरिक होने के नाते। बिल्कुल जी, इसकी बल्कि इसको इसके प्रति जो है सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में इसके प्रति इसके विवादित बयानों के प्रति इससे इसका वो निर्णय लेना चाहिए कि इसने इस प्रकार के बयान क्यों दिया। इसकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर बार इस प्रकार के बयान देता है भारत के प्रति, जबकि ये भारतीय नागरिक है, तो इसकी जाँच बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।